नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के सुरेर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश घायल होने के बाद पकड़ा गया। सुरेर पुलिस को मुठभेड़ की सूचना मिली कि दो बदमाश द्रोही के पास आ रहे हैं, तो सुरेर पुलिस ने मार्ग पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। जैसे ही दो बदमाश बाइक पर आए तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और वह भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश मोहित शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा निवासी डीवी गर्ल्स इंटर कॉलेज वाली गली थाना दिल्ली गेट अलीगढ़ के पैर में गोली लगी और घायल होने पर उसे पकड़ लिया गया। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज दिनांक 7 मई को ग्राम ब्योही नहर पटरी करारी थाना सुरेर क्षेत्र में समय लगभग 9:30 बजे पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को रोका गया। मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश मोहित शर्मा सनौ पप्पू ग्राम जहांगीराबाद लोधा अलीगढ़ का घायल हुआ। पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि वह थाना जमुना पार व मार्ट की लूट की घटनाओं में सम्मिलित था। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा व कारतूस एवं दो मोबाइल बरामद हुए और पूछताछ की जा रही है। अभी को उपचार के लिए भेजा गया है।